बात अगर मैं करूं गुर्जर समाज की, तो खेलकूद में पहलवानी में किस तरह से आप देख रहे हैं? गुर्जर समाज में पहलवानी में बहुत पहलवान है। हाँ, पहलवानी में ज्यादा चल रहे हैं जी गुर्जर। अच्छा, जागरूक हो रहे हैं। इसको नेशनल मेडल आया गुर्जर ये खर कटी दिल। अच्छा, और ओवरऑल क्षेत्र में कितने बच्चे जो है आगे बढ़ रहे? बच्चे तो बहुत बढ़ गए जी, 150 बच्चे पहले तो 10-5 ही, अब तो 150-200 बालक हो रहे हैं इस खाड़े की वजह से, डगरपुर खाड़े की वजह से। मेरे से हरियाणा का पहलवान था, मैं थोड़ा सीनियर था, मेरी 6 मिनट कुश्ती हुई, बहुत देर कुछ चलने के बाद मैंने उसको मार लिया, मैं हरा दिया। 31 से मेरी कुश्ती थी। लीलू पहलवान जी ये प्रोग्राम करवाते हैं बहुत सालों से, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमें गर्व होता है महसूस होता है कि हम इसी गाँव से बिलोंग करते हैं। यहाँ तो एरिया में मतलब बहुत बेकार हो गया माहौल, लेकिन ये कुश्ती करवा रहे, अच्छा काम करवा रहे हैं। लुंडेर जो है वो अपने गेम पे फोकस कर दिया ज़्यादा, और पढ़ाई पे मतलब क्षेत्र में इतनी अब गुंडागर्दी नहीं रही जो पहले थी यूपी में। पहले क्या था, गुर्जर समाज जो ज्यादा बदमाशी में इसमें निकलते, लेकिन अब देख लो आप मेडल दे रहे हैं बच्चे, ज्यादा क्रेज चल रहा है, अब दूर पढ़ाई में ज्यादा फोकस है, खेलों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा दमखम दिखा रहे हैं, बहुत अब तो ज्यादा बहुत क्रेज हो गया इस चीज का, अब तो पहले वाली बात है ही नहीं। अब बिना लड़े जीत मिलेगी तो कैसा महसूस हो रहा है? एक पहलवान अगर बिना लड़े जीत मिल जाए तो कैसा, उसे तो सही लगता नहीं ना जी? थोड़े दुखी भी है, इतनी प्रैक्टिस करी कुछ दिखा नहीं आए हैं यहाँ दंगल में। ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ? बस ये आया ना पहलवान, आया ना किसी वजह से आ ना पाया किसी कारण से। कुश्ती हो चुकी है, होनी है अभी? होगी जी। होगी? हाँ जी। तो क्या रहा रिजल्ट? विनर रहा जी। चलिए, और कुछ गुर्जर समाज के जो लड़के अपने इधर उधर भटकते थे, आजकल खेत कूद पे जैसे भी आपने बताया वो जीत रहे हैं, तो क्या सही दिशा में जा रहे हैं? अब तो मतलब क्षेत्र अच्छी अच्छी लाइन पर चल रहा है, मतलब कि कुछ बच्चे पढ़ाई पे, कुछ कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, और खेल कूद में स्पोर्ट में बहुत बालक, मतलब कि अब अपने एरिया ऊपर चल रहा है। आप भी गुर्जर समाज से? ना, मैं जाट हूँ भाई। जाट है। तो कैसे आप देख रहे हैं जो प्रोग्राम यहाँ गुर्जर क्षेत्र में हो रहा है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? भाई क्षेत्र तो जाटू का भी है, नगला बड़ी गाँव में जाटू का, और गुरु जी है लीलू गुरु जी जो प्रमुख दंगल करवा रहे हैं, है तो वे गुर्जर पर, है तो खाली पर उनका खुद का खाना है। तो किस तरह का प्रोग्राम? प्रोग्राम एक नंबर का, तुम देख लो। नहीं भाई, अब हर फील्ड में हमारे गुर्जर समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, कोई खेल ले लो या किसी किसी कंपटीशन किसी भी चीज़ ले लो, पढ़ाई को ले लो, हर चीज़ में हमारे बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। अब वो जो पहला माहौल था वो बदल चुका है, वो बदमाशी वो ख़त्म है, लेकिन अब हर फील्ड में हमारे बच्चे बहुत आगे हैं। देखो जी, सोशल मीडिया का जमाना है जी, आप कुछ समझ सकते हो, फोन दुनिया फोन के पागल पीछे पागल है जी, खेल के पीछे इतनी जागरूक नहीं है। बाकी आदमी जो खेल से जुड़ा हुआ है उसके परिवार में कोई ना कोई मिलता है जी खेल से, कोई भी खेल हो, चाहे कोई क्रिकेट से है, कोई बैडमिंटन से है, कोई कुश्ती से है, कोई हर खेल है जो, वो सब जुड़े हुए हैं। कुछ समाज के बच्चे जब भटक जाते हैं, वे तो उनके माँ बाप कंट्रोल नहीं कर पाते, कोई कई किधर ढोला है कोई किधर ढोला, जिसके घर में जिसने कर रखा गेम वो तो परमानेंट गेम से जुड़ रहा है। मैं गाँव गणाली से भूरा पहलवान, मेरे बाप का नाम सत्तू पहलवान, सेकंड बाप सुखवीर पहलवान, मैं यहाँ कुश्ती मारना आया हूँ, मैं कुश्ती जीत चुका हूँ 250 रुपया कुश्ती, मेरा नाम होगा पूरे क्षेत्र में, हिला दूंगा, एक दिन ऐसा बनूंगा कि जैसे कह रहे हर किसी पे एक बरसता बादल हो जाएगी, जब मेरी कुश्ती होगी तो तू पागल हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है जो लोग सब कहने वाली बात है, कहीं सब बराबर सब बात, तो कहीं ना कहीं खेलकूद की तरफ भी बढ़ रहा है। हाँ जी, सब सब बढ़ा रहे हैं, गुरलीलू प्रमुख गुरु जी तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, हर साल बहुत बड़ा दंगल होता है, स्टेट नेशनल के रेल के गेम कराते हैं गुरु जी लीलू प्रमुख, तो ऐसी बात नहीं, गुर्जर जो तो कहने की बात है वो है कि ना गुरु जी बहुत अच्छे आदमी, वैसे गुर्जर समाज बहुत अच्छा है क्षेत्र में जी। और बच्चे खेलकूद में और अपना तैयारी में लग चुके हैं, भर्ती वर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अपना स्पोर्ट में ज्यादा निकलते जा रहे हैं। गुर्जर समाज की आपने जन्म लिया, उसे किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह की फीलिंग है आपकी? फीलिंग तो बहुत हाँ, मैं भगवान ने, मैं एहसान मानता हूँ गुर्जर समाज में मुझे पैदा कर दिया भाई, बहुत अच्छा प्राउड महसूस करते हैं हम कि हम गुर्जर हैं, हर जो बाहर भी जाते हैं कहीं दिल्ली विल्ली हमारी हमारी बोलू सी बताते हैं कि गुर्जर है। तो वो प्यार करते हैं, डरते हैं आपसे? भैया प्यार भी करते हैं, प्यार ही करते हैं, डरना तो कोई आज गुर्जर हो, पर प्यार बहुत है गुर्जर समाज के लिए, बहुत मिलता है। तो मतलब कहीं ना कहीं गुर्जर जो नाम ही सुनने में ऐसा है, लेकिन वैसे सब सपोर्टिव आदमी है भैया, गुर्जर सीधो है, पहले से ही गुर्जर समाज के लोग सीधे रहे हैं। फीलिंग बढ़िया है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़िया। आपकी जी? मेरी फीलिंग बढ़िया, अपने समाज में जन्म ले रखो, सब तो बढ़िया काम करेंगे अपने। नहीं, जोश कितना है, भरपूर है नहीं? हाँ जी, भरपूर है। सामने मुकाबला किससे? अभी कुछ पता नहीं, अभी नाम नहीं बुला जी, नाम बुलाएगा जब। तो आप किस तरह का योगदान दे रहे हैं कुश्ती में? कुछ भाई हमने बच्चे कर रखे, 30-35 अखाड़ा खोल रखा है, फ्री सेवा सबकी, और कोई गरीब बच्चा है तो उसके लिए हम घी भी देते हैं, तो खाना दाना भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, सब वो करवाते हैं। आपके बारे में बताया जा रहा है कि बड़ा आप समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, आपकी भैंसा भी है एक बढ़िया। हाँ, भैंसा है जी।
35 लाख रुपए लग लिए, मैंने दिया नहीं। अच्छा दिया नहीं। अच्छा। हर पे ही है।